हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से स्वागत है आपको किरण विश्वकर्मा रियल लाइफ चैनल में। और फिर से मैं लेकर आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये ब्लॉग हमारा है बृहस्पतिवार वाले दिन का और रात के 7 बजे का टाइम है। तो मेरे हस्बैंड जी आए, बोले कि कढ़ी बना लो, काफ़ी दिनों से कढ़ी नहीं बनाया, 2 हफ्ते हो गए कढ़ी नहीं बनाया था। तो सोचा लो, जब हस्बैंड जी कह रहे हैं तो उनके मानना ज़रूरी है, तो कढ़ी बना रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है कढ़ी बनाने में, ये समय ले लेता है, तो फिर सोचा चलो बना ही लेते हैं कढ़ी। तो बस कढ़ी में मैंने नमक मिर्चा और हल्का सा मिर्चा पिसा हुआ और हींग जीरा और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती डाल के उसको फेंट के रख दिया है, उसको रेस्ट होने के लिए, ताकि जो पकौड़ियाँ हमारी बहुत अच्छे से छनेंगी फूलेंगी ना। तो इधर हम बना लेते हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी में बस हल्दी थोड़ी सी मैंने, दही और बेसन और हल्दी लिया है, इसको फेंट के रख देंगे ताकि हमारी जो इसमें गुलथियाँ ना बने, गुलथियाँ बन जाती हैं तो फिर वो जो ग्रेवी होता है ना, फटा फटा जैसा लगता है, तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो बस वही है, बच्चों की डिमांड थी, मेरे हस्बैंड जी की डिमांड थी, तो वही चालू कर दिया है। और 2 दिन से मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आया है क्योंकि मैं साफ़ सफाई में लगी रही थी, और जब साफ़ सफाई करो तो बस धुन यही रहता है कि जल्दी से साफ़ सफाई हो जाए हम। और ये देखिए पकौड़ियाँ हमारी छन जाएंगी, जल्दी से फटाफट बना लेते हैं, लगभग टाइम नहीं लगता है। पर हाँ, थोड़ा सा कढ़ी में बनाने में टाइम लगता, जब कढ़ी मेरा बन रहा था तभी उसी में मैंने चावल रोटी दोनों बना के रख लिया था, तब तक मेरी कढ़ी बन तैयार हो गई थी। कढ़ी थोड़ा सा टाइम लेता है पकने में, धीरे धीरे जब पकता है ना तभी कढ़ी उसका स्वाद अच्छा आता है। तो बस हल्दी मिर्चा वही जीरा और हींग और मिर्चा डाल के मैंने छौंक लगा दिया था, ज़्यादा मसाला मैंने बिल्कुल नहीं डाला था। और इधर आए हैं मेरे हस्बैंड जी बच्चों के लिए चीज़ लेकर, यानी कि मोमोज खाने, तो बच्चे वही खा रहे हैं और आप सभी लोग भी आ जाइए। और ये इसके बाद ये मॉर्निंग का है, यानी कि सुबह शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी को है लंच पैक कर दिया है, वो तो चले गए हैं, वो 8 बजे निकल जाते हैं, उनको लंच पैक करना होता है जल्दी जल्दी फटाफट, उनका लंच पैक किया। फिर इसके बाद मैं जुट गई हूँ फिर से साफ़ सफाई में। तो आप जानते हैं कि होली का दिन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बिजी होंगे सभी लोग घर में, तो हमारी तो साफ़ सफाई चालू है। और ये तो हमारा रोज़ का काम होता है झाड़ू पोछा, पक्के में तो वैसे भी झाड़ू पोछा करना रोज़ ही का पड़ता है, एक दिन ना करो तो गंदा रहता, ऐसा लगता है कि गंदा हुआ है और घर काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो पक्के में तो रोज़ का यही काम है, इतना कच्चे में काम नहीं होता है, कच्चा जब मकान होता है तो एक ही बार में वो समय लेता है, एक बार में साफ़ सफाई और लीपा पुताई हो जाती है। फिर इसके बाद 15 दिन के लिए निच्छू हो जाते हैं आराम से, कि झाड़ू ही लगाना होता है तो इतना काम नहीं रह जाता है। मगर ये है कि जो पक्के में है ना, रोज़ का काम हो जाता है झाड़ू पोछा, जब तक करो ना तब तक घर गंदा लगता है, तो इसका तो रोज़ ही सफाई चाहिए। तो इस समय तो गांव और शहरों में तो साफ़ सफाई का अभियान ही चल रहा है। तो बस यहाँ पे हम कपड़े लगा देते हैं, मेरे यहाँ तो कपड़े बहुत ज़्यादा रोज़ की रोज़ कपड़े हो जाते हैं, बच्चे हमारे रोज़ नहाते हैं, रोज़ कपड़े हो जाते हैं और हमारे सभी के कपड़े हो जाते हैं। तो मशीन लगा देते हैं, ये अपना काम करेगा, तो मशीन से ना इतनी सारी हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा, कि कपड़ा धुलता रहता है और हमारा जो काम है थोड़ी सी बचत हो जाती है, तो मशीन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो गया है। तो इसके बिना मेरा काम नहीं चलता है, ये अपना काम करता रहता है और हम अपना काम करते रहते हैं। तो हमारा जो साफ़ सफाई का अभियान है वो तो चालू ही है। तो यहाँ पे बस बैठक है, वो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और यहाँ पे मशीन लगा देते हैं, तब तक ये अपना काम करेगा और हम अपनी धुलाई करेंगे बाहर की। तो बहुत ज़्यादा काफ़ी धूप निकली हुई है, इस समय खिली खिली धूप है और इस समय धूप में बैठने का मन भी नहीं करता है, थोड़ा सा बाहर निकलो तो चक्कर जैसा आ जाता है। ये देखिए कितनी तेज़ धूप है, खिली हुई है और यहाँ पे हम धुलाई कर देते हैं। कहते हैं कि ना, सुबह सुबह जो द्वार होता है ना, कि झाड़ू और धुलाई थोड़ा सा पानी छिड़कने से निगेटिव एनर्जी होती है ना, वो निकल जाती है, नष्ट हो जाती है। हमने सुना ही है, हमने सुना नहीं, सभी लोग कहते हैं, तो ये ज़रूर मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी डाल के रगड़ देते हैं, इसलिए पोछा से रगड़ देते हैं ताकि जो यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी होती है, यहाँ मोटर्स जो बाइक खड़ी होती है ना, उस वो मिट्टी बहुत लाती है, तो मिट्टी चिकनी है, पीली वाली मिट्टी, तो वो आ जाती है तो वो चिपक जाती है, तो आसानी से साफ़ नहीं होता है, इसको रगड़ना पड़ता है तब जाके वो साफ़ होता है। अब इसके बाद वाइपर लगा देंगे तो हो जाएगा क्लीन।
तो ये तो लेडीजों के लिए सुबह हो या शाम हो सारे साफ सफाई में ही लगे रहती हैं, दिन भर का काम रहता है। और ज़रा देर के लिए फुर्सत भी नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम इसलिए कर रहे हैं कि जाना पड़ रहा है मुझे मार्केट, बच्चों के लिए कपड़ा लाना है। बड़ा बेटा है वो गया है लखीमपुर, तो वो लेने गया, बोला कि मैं वहीं लूँगा। और मैं साइकिल हटा रही थी तो बच्चे कह रहे थे नहीं मम्मी साइकिल मत हटाओ नीचे। मैंने कहा नीचे नहीं ले जा रही हूँ, मैं यहीं पर खड़ी करूँगी, क्योंकि दो दो साइकिल हैं तो यहाँ पर साफ़ सफाई करते नहीं बनता है। तो घर में पड़ जाते हैं अकेले तो काम हो जाता है ज़्यादा, और कभी कभी बच्चों से तो ले ही लेते हैं। पर हाँ, मैंने बच्चों से आज छोटे बेटे से मैंने काम ये लिया है कि मैंने उनसे बनाया खाना, हमने कहा चलो खाना बाद को उनसे बनवाया था। यहाँ पे मैं हो जाती है धुलाई, और सारे यहाँ पे बरामदा है और कमरा है सारा धुलाई कर देते। और यहाँ पर मैंने पर्दे को इस तरीके से धुलाई करने के लिए डाल दिया है। इससे क्या होता है कि हमारे जो पर्दे की जो रिंग होती है ना, ख़राब नहीं होती है ऐसे। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे से प्लांट चालू शुरू हो गए हैं, इनकी पत्तियाँ आनी और पत्तियाँ आ भी गई हैं। ये देखिए फूल भी आने लगे हैं हमारे गुलाब में। कुछ इस तरीके से मेरा है यहाँ मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। गांव एरिया थोड़ा सा है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए गुलाब के फूल जो पिंक कलर, पहले लाल होते हैं फिर गुलाबी कलर हो जाते हैं फिर सफ़ेद हो जाते हैं, तीन कलर होते हैं इसके। तो तोड़ लेते हैं फूल पूजा के लिए। ये देखिए ये रेड है, एक ही पेड़ में तीन कलर के फूल आते हैं, लाल गुलाबी और सफ़ेद। ये देखिए कितने, पता नहीं कैसे ये टूट गए हैं बूटी, जो फूल के बूटी होते हैं। ये देखिए कितना दुख लगता है, और इन्हें देखकर कितना सहते हैं, इन्हें प्यार से रखते हैं और फिर भी ये टूट जाते हैं, पता नहीं कैसे टूट गया है। और फिलहाल और बहुत सारे बूटी आए हैं हमारे गुलाब में इस समय, अब फूल खिलने वाले हैं तो अब मिल जाएंगे फूल हमें रोज। तो यह है कि फिर पूजा करने में अच्छा लगा, बिना फूल के पूजा नहीं अच्छा लगता है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से फूल मिल रहे हैं, और सारी पत्तियां झड़ गई थी एकदम से, फिर नए आए हैं पत्तियाँ। और हमने बहुत अच्छे से खुरपी दिया था ताकि फूल अच्छे से आए, तो अब की बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हमने, जितनी मिट्टी है सबको हमने खुरपी दिया था, बहुत अच्छे से पेड़ पौधे अभी हमारे तैयार हुए हैं। और यहाँ पे हमने सारे फूलों को तोड़ लिया है, ले चलते हैं नीचे क्योंकि आए थे धूप में, बार बार हम आ नहीं सकते इसी वजह से हम तोड़ के रख लिया। और यहाँ पे हम दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए, क्योंकि इस समय है बाहर रख दो तो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर कई दिनों से मलाई रखी थी फ्रिज में, तो ऐसा होता है कि मलाई है तो हम निकाल के रख देते हैं, पर ये ध्यान नहीं रहता था कि मुझे यहाँ पे घी बनाना है, तो ये रह जाता था काफ़ी दिनों से। तो सोचा चलो आज हम ये काम ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल मैंने पहले से ही जो मलाई वाला कटोरा है वो निकाल के रख लिया था कि आज तो मैं ये काम करके ही रहूँगी, रोज़ का रोज़ ही रह जाता था। तो ये तो खाने वाली मैं घी निकाली हूँ, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ जब मैं पूजा वाली निकालती हूँ घी, तो मैं बहुत अच्छे से संभाल के और नहा धोआ के मैं घी निकालती हूँ। तो ये तो खाने के लिए, तो ये है कि कम से कम नहीं तो आधा किलो तक निकल ही आया था घी, तो ये खाने के लिए रखूँगी, पूजा के लिए अलग नहीं रखती हूँ पूजा के लिए। तो वो मैं नहा धोआ के साफ़ करके साफ़ सफाई करके तब मैं निकालती हूँ। तो ये थोड़ा सा निकला था खाने के लिए, क्योंकि ख़त्म होने वाला था, सोचा चलो पहले खाने के लिए निकाल लेते हैं, पूजा के लिए तो हमारा आधा किलो तक पहले, आधा किलो क्या एक किलो तक पहले से ही रखा है, इस वजह से मैं अलग रखती हूँ पूजा के लिए और खाने के लिए मैं अलग निकालती हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल बर्तन है साथ साथ धो लेते हैं, और हमारे कपड़े हैं धुल के, और मैं नहा धोआ के आ गई हूँ छत पर। तो इधर आ गए थे हमारे यहाँ हस्बैंड जी, और तो फिर यहाँ पे हम कपड़ा डाल लेते हैं, और आ गए थे छत पे बिना चप्पल के, तो इतनी तेज़ गर्म लग रहा था, बहुत जल्दी गर्म हो गया था फर्श। तो फिर हस्बैंड जी से कहा कि कपड़े जल्दी से डलवा दो, और मैंने बिना चप्पल के आई थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, मुझे तो बिल्कुल धूप बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। फटाफट मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और नीचे निकल जाती हूँ। और ये देखिए मेरे यहाँ श्री राम जी, कितना अच्छा लग रहा है ना। और हर छत पे जब श्री राम जी का झंडा फहरता ना, बहुत अच्छा लगता है, तब लगता है कि मैं सनातनी हूँ।
और ये देखिए था यहाँ पे मक्का, मक्का भी सूख रहा था और यहाँ मैं बैठ गई, बड़ा ज़्यादा मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर सोचा मैं आराम करूँगी। और ये देखिए बेबू बना रहे हैं खाना, क्योंकि मुझे मार्केट भी तैयार होना था, तो मैंने सोचा अब मैं थकावट, मैंने दवा खाई तब जाके मैं थोड़ा सा रेस्ट की हूँ, तब मैं निकल पाई थी मार्केट। तो ये देखिए बना रहे हैं सब्जी रोटी, तो देखिए और आ जाइए जी, मेरे बेबू जी खाना बना रहे हैं। बताओ मेरे बच्चे, बहुत मेरा छोटा बेटा है, अपने से बना लेता है, जब उसकी मर्जी होता है खाने की तो बना लेता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे डाढ़े की यानी कि छर्री जो आलू होते हैं, छोटे वाले आलू की सब्जी और रोटी बनाई, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।